और बलवंत सिंह राजोआणा की सज़ा तब्दीली और होर बंदी सिंघां की रिहाई संबंधी चाराजोई वास्ते श्री अकाल तख्त साहिब वालों गठित की गई पंच मैंबरी उच्च पद्धरी कमेटी की अज हुई एकत्रता दौरान सरकार नाल जल्द बैठक होने की आस प्रगटाउंदिआं यतन निरंतर जारी रखने की वचनबद्धता प्रगटाई गई है। श्रोमणी कमेटी के प्रधान एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी की अगवाई में हुई इस एकत्रता में दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान हरमीत सिंह कालका अजीत प्रकाशन समूह के मुख्य संपादक डॉक्टर बरजेंद्र सिंह हमदर्द सीनियर अकाली आगू विरसा सिंह वलटोहा और बीबी कमलदीप कौर राजोआणा हाजिर सन। एकत्रता मगरों मीडिया को संबोधन होंदे श्रोमणी कमेटी के प्रधान एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी ने दसिया कि पंज मैंबरी कमेटी की हुण तक की कार्रवाई का मुलांकन करदिआं यह महसूस किया गया है कि यह कार्य सहज और गंभीरता नाल किए जाने वाला है जिस विच कुछ समा लग सकता है। भावें श्री अकाल तख्त साहिब वालों 27 जनवरी तक का समा दिता गया है पर इस नूं सरकार नाल गलबात राही सकारात्मक अंजाम तक पहुँचाउण लई होर यतन लोड़ींदे हन। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय अयोध्या विखे 22 जनवरी के समागम के मद्देनज़र इस तो मगरों ही गलबात अगे वधन की संभावना है। श्रोमणी कमेटी प्रधान ने कहा कि पंच मैंबरी कमेटी इस संबंध में इकसुर है कि यह मामला सरकार नाल सुखावें माहौल में ही अगे वधाउण नूं तरजीह दी जाए। उन्होंने कहा कि बंदी सिंघां दे मामले ते केंद्र सरकार का 2019 का नोटिफिकेशन लागू करवाना मुख पहल है जबकि इस दे नाल ही सजावां पूरियां कर चुके होर सिख बंदियां दी रिहाई दा मामला भी उठाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पंच मैंबरी कमेटी की चल रही कार्रवाई और भावना बारे जल्द ही जथेदार श्री अकाल तख्त साहिब नूं भी जाणू करवाया जाएगा। तख्त श्री अकाल तख्त साहब जी के जथेदार ज्ञानी रघुवीर सिंह जी वालों भाई बलवंत सिंह जी राजोआणे की जिहड़ी उन्हें जेल में चिट्ठी लिखी सी उस चिट्ठी के आधार के उत्ते पांच मैंबरी कमेटी बनाई गई सी जिहदे विच दास सरदार हरमीत सिंह जी कालका दिल्ली गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान डॉक्टर बलजिंदर सिंह जी हमदर्द जिहड़े उगे अजीत दे मैनेजिंग डायरैक्टर ते हर पक्ष तो उवें भी पंजाबियों नूं समर्पित मेरा वीर छोटा सरदार बिरसा सिंह बलटोहा और साडी भैण बीबी कमलदीप कौर जी ये पांच मैंबरी कमेटी पहला भी एकत्र हुई अज इहदी तीजी पड़ेठी मीटिंग सी क्योंकि हुण तक जिन्ना क साडा खतो किताब होई वह थानू मैं पहला भी दस चुका ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब नू चिट्ठी लिखी सी मैं भी लिखी सी ते सरदार हरमीत सिंह कालका ने भी लिखी सी उहदी सानू ईमेल ते रिप्लाई भी आ गई सी कि जथेदार अकाल तख्त साहब वालों जिहड़ी इह पंज मैंबरी कमेटी बनाई गई आ ये ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब दे नाल इस मसले ते गल करे ते उन्हें उहदी ईमेल की कापी होम मिनिस्टर साहब नूं भी भेजी सी। उस तो बाद फिर साडे सकत्तर वालों उन्हां दे सकत्तर नूं एक चिट्ठी लिखी गई ईमेल की गई सी कि इदां इदां प्राइम मिनिस्टर साहब वालों जिहड़ा रिस्पोंस आया उहदे तहत असीं तुहानूं मिलना चाहुंदे हां। उस तो बाद फिर असीं मीटिंग कीती मीटिंग तो पहलां 3 जनवरी नूं एक फिर चिट्ठी लिखी मैं अपने वालों पांच मैंबरी कमेटी के बिहाफ दे उत्ते कि असी आ पांच मैंबर जिहड़े आ उह तुहानूं मिलना चाहुंदे हां। उस तो बाद आ हालात हुण जिहड़े क्योंकि अयोध्या का उधर उद्घाटन आ गया इस इन बिटवीन असी एक दो मीटिंगां होर भी बैठ के भाजी बलजिंदर भाजी बठोआ साहब कालका जी उदन साडे नाल इंटरनैट ते हो गया सी रूप ते भैण कमलदीप कौर वो असी सारा अपडेट भी किया सो अज असी सारा बैठ के मुलांकण फिर किया क्योंकि सिंह साहब श्री अकाल तख्त साहब वालों 27 तरीक निश्चित की गई सी कि 27 तरीक तक असी बैठ के सेंटर सरकार दे नाल गलबात करके भाई बलवंत सिंह राजोआणे का केस ते नाल दूसरे जिहड़े बंदी सिंह आ उहनां दा केसां दे बाबत गल की जा सके। सो उहदे विच भाजी बलजिंदर सिंह जी ने भी अपने बहुत जिहड़े जतन आ उह सारे आरंभे आ ते कालका जी ने भी ते असीं अपने तौर दे उत्ते भी लगे हां पर उह 27 तरीक नूं मुख रखदे आ अज इह सारी बैठक फिर दुबारा असीं सद्दी सी इत्थे हुण तक दे जिन्ने भी सारे हालात आ उह सारे असीं बैठ के डिस्कस भी कीते आ। उस तो अलावा
क्योंकि भाजी का तजर्बा भी वाध्या इस फील्ड के विच। इन्होंने कहा भी क्योंकि सारे की एक मत सी कि 22 तरीक तक वो सारे बिजी ने, तो 22 तो बाद फिर बैठ के उन्होंने नाल जिहड़ा साडा खतो खताब चल रही आ वह किसी पॉजिटिव पक्ष वाले पासे नूं जरूर पहुँचूगी। तो पॉजिटिव पक्ष एक यह भी रहा कि असी श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों पहला ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब नूं बड़ियां चिट्ठियां लिखियां। एक अद्धी का सानू रिस्पोंड आया सी, पर इस बार उन्होंने उस चिट्ठी नूं इमीजिएट वो सानू भी ते होम मिनिस्टर साहब नूं भी वो जिहड़ी सी ईमेल कीती कि तुसीं उन्हां दे नाल संपर्क करो। सो ये सार्थक पक्ष सीगा, वह बैठ के असीं अज सारा डिस्कस किया। तो नाल दी नाल फिर एक भी फैसला होया कि जथेदार साहब नाल भी चाहे उन्होंने बैठ के चाहे चिट्ठी राही श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार साहब जी ने भी बेनती करांगे कि ये काम जिहड़ा आ ये तुरंत तुरत आला होना नहीं, क्योंकि सरकारां दे मसले विच इनवॉल्व आ। तो ये सारा उन्होंने बैठ के जदों भी सानू टाइम ऑपरीपरेट मिल गया ये जरूर असी होपफुली उधरले पासे नू वधांगे। सो अज असी बैठ के सारिया ने फिर इस गल ते डिस्कशन भी की आ और हैल्थी डिस्कशन हुई आ सारी, तो सारे इस गल ना सहमत भी आ कि ये तेजी दे विच नहीं, ये जिगरे दे नाल सारी क्योंकि 22 विच आ गई उहदे करके इहदे लई असी हुण अपना जिहड़ा जतन अगला वो भी आरंभिया आ उहदे विच असी पहलां भी इस गल ते तैयार सी। सो 27 लई क्योंकि मोहरे तरीक आ जाणी सी, फिर सिंह साहब का भी आदेश सीगा, उन्हों भी असी मुद्दे नज़र रखिया ते असी बैठ के सारी गल भी की। सिंह साहब नूं भी बेनती करांगे ये जिहड़ा समां आ इहदा थोड़ा जिहा अनलिमिटेड करता जाए तां कि इहदे विचों कोई चंगा जिहड़ा आ वह नतीजा निकल सके। सो सानूं आस भी आ। एक मैं जरूर थानू क्लीयर करनी चाहना, अज भाई गुरदीप सिंह खाड़ा जेडे 15 दिन की परोल से आए थे, उन्होंने अब टेलीफोन भी मैनू आया सी। ये वो नौ सिंह आ जिन्हां दी नोटिफिकेशन साहब श्री गुरु नानक देव पातशाह जी के 550वें प्रकाश पुरब ते होई सी। उहदे विचों भाई राजोवाणा साहब का केस जिहड़ा वह वक्खरा आ, वह वक्खरा इस करके क्योंकि उहदे विच डैथ सेंटेंस नूं इन्हें कम्यूट करना सी और वह डैथ सेंटेंस नूं लाइफ इंप्रिजनमेंट दे विच करना सी। वह नोटिफिकेशन इन्हां दी ते खैड़ा साहब ते भुल्लर साहब दी, क्योंकि 33-34 साल दी ते भुल्लर साहब दी 28-29 साल हो गई आ अंदर अपने कैद पूरी हो चुकी आ। सो वह भी कहिंदे सी इस करके असीं सारा मुद्दा जिहड़ा ये राजोवाणा साहब का चेचे तौर दे उत्ते, क्योंकि ये कमेटी उस मुद्दे ते बनी आ ते बंदी सिंघां दे मसले ते बनी आ। सो असीं पूर जोर जतन कर रहे हां, कई बारी साडा सुभाअ बन गया आ ते खास करके मैं देखदा भई असीं दवा सट कहिंदे भई एकदम साडा एक समाज दा ते सुभाअ बन गया, खास करके साडा सिखां दे विच मैं चेचे तौर ते कह लवां। पर हर एक गल लई जतन करना पैंदा, जतन तों बाद फिर कोई गल जिहड़ी उह सिरे चढ़दी आ। सो ये तनदेही दे नाल दिलों इहदे लई इह जतन कर रही है 5 मैंबरी कमेटी, ते गुरु कृपा करे मेरा ख्याल सानू छेती इहदा जिहड़ा रिजल्ट आ उह समें अनुसार इह जरूर मिलेगा। सो इस करके साढ़े ये 5 मैंबर साहबान असी अज चेचे तौर पर सी, फिर बाहर तुसी कल्ले कल्ले नूं फिर पुछना भी की अंदर होया। अंदर सिर्फ साड़ी जिहड़ी डिस्कशन हुण तक दी सारा मुलांकण भी किया गया, हालातों नूं भी मुद्दे नज़र रखिया गया, ते उस तों इलावा सिंह साहब वाली जिहड़ी सीगी उहनूं भी जिहड़ा उहनूं भी इस तर्ज ते रखिया गया। एक बेनती जिहड़ी मैं होर नाल करदियां, बीइंग एडवोकेट मैं सोचदा भई क्योंकि जिहड़े सज़ा पूरी कर चुके आ उहनां दे विच बयान सिंह कांड दे विच सरदार गुरमीत सिंह, सरदार शमशेर सिंह ते सरदार लखविंदर सिंह वो बेल ते रिलीज किए गए, ते भावें भाई जगतार सिंह हवारा उन्हां ते अपने होर केस भी पेंडिंग आ हाले, भाई भयोरा साहब ते भाई अवतार सिंह तारा परमजीत सिंह जी भयोरा, ये भी
बयान सिंह कांड दे विच सजा पूरी कर चुके आ, क्योंकि उहदे विच जे तीन जिहड़े मेन सीगे जिहड़े अज वेल ते आए आ ते इह वी उहदे विच शामिल आ, भावें मैं वखरा उह कंसैप्ट इस करके आ कि जे किसी ते केस पेंडिंग आ उहदी रिहाई उदों ही होणी हुंदी जेल्ले उहते कोई केस मुक जांदा जां बेल मिल जांदी आ। पर असीं इह वी कहिंदे आ सेंटर सरकार तों मंग रखदे आ कि उहनां दी वी जिहड़ी सजा 20 साल तो उत्ते हो चुकी उन्होंने उन्होंने केसों के बाकी जोड़े चलते चलते रहन। एक जी असी सी पे आम अक्सर कई गलों पर टकरा हो जाता तो भाजी की सारी इस पांच मैंबरी की पहलों तो सी भी आप पीसफुली बैठ के इन दे डेपूटेशन के तौर पर गलबात राही ये मसले को हल करना। सो उहदे तहत ही असी सारी ये जी रणनीति अपनाई आ, क्योंकि असी नहीं चाहते भी किसी गल के उत्ते, तो उन्होंने भी असं बेनती करते हैं कि थोड़ा अपना ही किया फैसला थोड़े को लागू करवा। तो भाई राजवाणा साहब की तो जल्द तुम डैथ सेंटेंस कम्यूट करनी तो वह तो लाइफ से जानी है ना, वह भी बहर तो आना नहीं हाल की घड़ी, पर जे वह भी सज़ा पूरी होंगी उन्होंने भी असं चाहते भी वह भी नाल सारे दे। सो इस करके असी सारिया ने बैठ के फैसला किया कि असी पॉजिटिवली सारे पक्षों बैठ के विचारिया कि कई बार टकरा हो जाते, टकरावों के बच्चों कंसर्नड मुद्दा जोड़ा उड़ जाता। सो भाजी साढ़े बच्चे सियाने सारिया तो इन्हों की भी असं गाइडलाइन रह रहे हैं, तो बाकी सारे चार मैंबर जोड़े ये भी मैं समझदा हाँ सारे सूझबान आ। भैन साड़ी क्योंकि मुलाकात कर दी राजवाणा साहब ना, तो असं अपडेट भी ता कि उन्होंने भी हूँ तक की जी कि गल अपडेट सारी कराती है। सो अज के असी क्योंकि 22 का जोड़ा बिच थानू सारे पता वो सारे रुझे हुआ बिच ये अपने होम मिनिस्टर साहब की सिस्टर की डैथ हो गई सी। सो इस करके असी हूँ आस रखते हाँ कि 22 तो बाद कोई समा सू जो मिल जाऊगा वो समय के अनुसार फिर असी जरूर बैठ के उन्होंने गल जी करा। इन्ना कि अज का सगा फिर थानू बाहर जाके सारियां नू कले कले ने फिर की होया की होया आ जिहड़ा अज असीं बैठ के डिस्कस किया, पहलां भी इहो पॉलिसी सी भी आपां बैठ के इहदा मसले का हल करना आ, ते उहदे लई असीं अपने जिहड़े जतन आ श्री अकाल तख्त साहब जी दी, क्योंकि इंडिविजुअल तौर दे उत्ते नहीं इह श्री अकाल तख्त साहब दी सरपरस्ती है, सरपरस्ती ने कमेटी उन्हें बनाई आ। सो सेंटर सरकार नू भी चाहीदा कि हाई टैंपोरल सीट जिहड़ी सिखां दी श्री अकाल तख्त साहब आ उत्थों जिसले कोई आवाज़ उठती आ वह समुची कौम की मनी जाती, तो वह कमेटी उन्होंने बनाई आ 5 मैंबरी। सो ये उन्होंने डायरैक्शन के बच्चे असं जी अगली रणनीति आ सारी अपना रहे हैं। सो भाई साहब भाई राजवाणा साहब की जदों 212 च ये डैथ सेंटेंस जिहड़ा सी इहनूं जिले स्टे होया सी प्रैजीडेंट साहब तो उदों भी अकाल तख्त की डायरैक्शन के उत्ते श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी ने यह जी अपील पाई सी पटीशन। सो हुण ये 5 मैंबर उस तर्ज ते अकाल तख्त साहब की उन्होंने मैं समझदा भी सरपरस्ती तो उन्होंने कमांड थले ये कमेटी चल रही है। सो सेंटर सरकार ने भी बेनती करते हैं कि सिखां दा महान सारी दुनिया के बिच जे कोई महान तख्त हो श्री अकाल तख्त साहब आ, सो इतों बनाई हुई कोई भी आवाज़ जी वो कौम की समुची की आवाज़ गिनी जाती है। सो ये बैठ के अज अभी सारे ने यह फैसला किया। सो थोड़ा भी सारे का बहुत बहुत धन्यवाद। चार ही मैम अज का मुद्दा 5 मैंबरी का ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰ ਲਿਓ ਗੱਲ ਸਮਝਦੇ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਆਹ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਨੀ ਮੈਂ ਬੰਦ ਟੂ ਬੰਦ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈ। ਮੈਂ 22 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਇਹ ਆ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ, ਯਤਨ ਅਸੀਂ ਸੰਸੀਅਰਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਇਹੋ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ, ਭਾਜੀ ਬਲਜਿੰਦਰ ਭਾਜੀ ਹਮਦਰਦ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਾਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਭਾਜੀ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ। ਸੋ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਸੇ ਸਿੱਟ ਕੇ ਸਿੱਟ ਦਿਆਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਪੱਖ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਅਨਸੈਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੋਰਸ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਓਂ ਵੇਸਟ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਸਿਰੇ ਚੜੂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਪਰ ਹੋਪਫੁਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਦਾ ਆਇਆ ਜੀ,
ਹਾਂ ਜੀ 22 ਤਰੀਕ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਫਾਰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ देखो ये मेरी बेनती सुनो अज आप जी इन्हें भी हम सवाल उठाया पैसे चके मेरी बेनती सुन लो फिरोल कोर्ट देखो बेनती मेरी सुन लो फिरोल कोर्ट जेड़ा मान लो साडा कई बार रोस हो जाता क्योंकि जेले एक जेल मैनुअल आ ਉਹ ਜੈ ਜੇਲ ਮੈਨੂਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਓਵਰਲੈਪ ਕਰਕੇ ਨਵੀਆਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲੂੰਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੀ ਅਨਡਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਪਰ ਇਹ ਮੇਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਭਈ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ